नमस्कार दोस्तों, कल शाम 7 बजे जब हम और आप अपने अपने कामों में व्यस्त थे तो ओडिशा के बालासोर में एक ऐसी घटना घटी जो कि पूरे भारत को शोक में डाल दी। यह 2 पैसेंजर ट्रेन एक मालगाड़ी ट्रेन से टकरा गई और यह रेल हादसा देश के बड़े रेल हादसे में शामिल हो गया। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें 261 लोगों की मौत हो गई है, इसके साथ ही तकरीबन 900 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल अब NDRF की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है। वहीं से रेल हादसे की जो वजह बताई गई वह ये है कि रेल हादसा सिग्नल नहीं मिलने की वजह से हुआ। दोस्तों, जब यहाँ घायलों समेत जो मृतकों की सवे निकाली जा रही थी तो यह तस्वीर हर किसी को अंदर से तोड़ रही थी। लेकिन दोस्तों, भारत के अंदर हुए यह रेल हादसा कोई पहला बड़ा रेल हादसा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बड़े रेल हादसे हुए हैं जिसे जानकर आप पूरी तरह से हैरान होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। साल 1981, दोस्तों जब भी हम सबसे बड़े रेल हादसों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बिहार में हुए रेल हादसे का जिक्र होता है। यह 6 जून 1981 को एक ट्रेन मानसी और सहरसा के बीच पुल पार करते समय पटरी से उतर गई और 7 डिब्बे बागमती नदी में जा गिरी और इस हादसे में 800 यात्रियों की मौत हो गई थी। यह अब तक भारत और दुनिया के सबसे खतरनाक रेल हादसों में से एक है। साल 1995, दिल्ली से कानपुर के बीच चलने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के पास खड़ी कालिंदी एक्सप्रेस से टकरा गई थी। इस हादसे में दोनों ट्रेनों के 360 से अधिक यात्री मारे गए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस घटना के लिए मैनुअल त्रुटि को जिम्मेदार ठहराया गया था। कहा जाता है कि पटरी पर जानवर के मरने के बाद कालिंदी एक्सप्रेस वे का ब्रेक जम हो गया था और ट्रेन ट्रैक पर ही रुक गई थी। साथ ही पुरुषोत्तम एक्सप्रेसवे को भी उसी ट्रैक पर चलाने की अनुमति दे दी गई। पुरुषोत्तम एक्सप्रेसवे ने कालिंदी एक्सप्रेसवे को पीछे से टक्कर मार दी जिससे यह बड़ा रेल हादसा हुआ। साल 1999, उत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार मंडल के अवध में अवध असम एक्सप्रेसवे और ब्रह्मपुत्र मेल की टक्कर में करीब 268 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस हादसे में 360 से अधिक लोग घायल हो गए थे। तो दोस्तों, आपको इसके साथ ये भी बताते चलूं कि ब्रह्मपुत्र मेल भारतीय सैनिकों को असम से सीमा तक ले जा रही थी, वहीं अवध असम एक्सप्रेसवे गुवाहाटी जा रही थी और यह गुस्लर के पास एक स्टेशन पर खड़ी थी। सिग्नल फेल होने के कारण ब्रह्मपुत्र मेल को उसी ट्रैक पर आगे बढ़ने की हरी झंडी दे दी गई और जिसके बाद रात तक करीब 1:30 बजे अवध असम एक्सप्रेसवे ने सामने से टक्कर मार। साल 2010, मुंबई जाने वाली हावड़ा कुर्ला लोकमान्य तिलक ज्ञानेश्वरी सुपर डिलक्स एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले में खेमसैली और सडिहा के बीच तकरीबन रात 1:30 बजे पटरी से उतर गई थी, जिसके बाद एक मालगाड़ी ने आकर टक्कर मार दी थी और इस हादसे में 235 यात्रियों की जान चली गई थी। साल 2022, 13 जनवरी को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेसवे के कम से कम 12 डिब्बे पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार क्षेत्र में पटरी से उतर गए जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी और 36 लोग घायल हो गए थे। और अब ओडिशा का बालासोर में हुआ रेल हादसा। तो ये थे देश के अंदर होने वाले वो 5 बड़े रेल हादसे। लेकिन दोस्तों, अगर हम इन रेल हादसों को देखें तो इसका अंतराल 1 से 2 सालों का है और देश में 1 साल के अंदर भी कई हादसे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि रेलवे इन हादसों को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है और अगर उनकी तरफ से इन हादसों को रोकने के लिए पूरी पहल की जा रही है तो हमें ये रेल हादसे देखने को क्यों मिलते हैं। वहीं अगर हमारी इस रिपोर्ट को लेकर अगर आपको भी कुछ कहना है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।